दोस्तों, आज हम दो जासूसी पहेलियां देखेंगे। पहली, आखिर मरेगा कौन? दूसरी, रेस होगी कैसे? तो फिर पहली पहेली के साथ शुरुआत करते हैं। दो लड़कियां एक रेस्टोरेंट में 6 ग्लास आइस टी ऑर्डर करती है, जिसमें 5 ग्लास पहली वाली अपने लिए मंगाती है और 1 ग्लास दूसरी वाली अपने लिए। पहली लड़की फटाफट 5 ग्लास आइस टी आते ही पी लेती है और दूसरी लड़की उस 1 ग्लास को ही आराम से धीरे धीरे पीती है। थोड़ी देर में दूसरी वाली लड़की मर जाती है। बाद में पता चलता है कि जहर उन सभी ग्लास में था, पर फिर भी पहली लड़की जिसने 5 ग्लास आइस टी पी थी उसे कुछ नहीं हुआ, पर दूसरी लड़की जिसने 1 ग्लास आइस टी धीरे धीरे पी थी उसकी मौत हो गई। ऐसा क्यों होता है? आपके पास 10 सेकंड है सोचने के लिए। अपना आंसर फटाफट नीचे कमेंट में लिख दीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहर आइस टी के आइस के बीच में है। पहली लड़की जल्दी जल्दी आइस टी पी लेती है, तब तक आइस पिघला ही नहीं होता, पर दूसरी वाली के धीरे धीरे पीने से आइस पिघल जाता है और जहर टी में आ जाता है। क्या आप इसे सुलझा पाए? चलिए दूसरी पहेली देखते हैं, जो पहली से बहुत ज्यादा मजेदार और ट्रिकी भी है। दूसरी पहेली, एक अमीर आदमी के 2 बेटे होते हैं, आकाश और विहान। उन दोनों के पास एक एक घोड़ा होता है। आकाश के पास ब्राउन घोड़ा और विहान के पास सफेद घोड़ा होता है। उनके पापा कहते हैं कि वो अपनी सारी जायदाद सिर्फ उस बेटे को देंगे जो बहुत ज्यादा समझदार होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये फैसला एक घोड़े की रेस से होगा, पर ये कोई साधारण रेस नहीं होगी। ये घुड़सवारी की रेस तुम लोग को लड़नी तो नॉर्मल तरह से है, पर इस रेस में जिसका घोड़ा जीतेगा वो प्रॉपर्टी के लिए हार जाएगा और जिसका घोड़ा हारेगा उसे सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। यानी रेस तो वैसे ही होगी जैसे होती है, पर जिसका घोड़ा लास्ट आएगा वो जीतेगा। दोनों बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें रेस लड़ने का एक बहुत जबरदस्त आइडिया आता है और सारी जायदाद आकाश को मिल जाती है। तो आखिर उन्होंने इस अजीब सी कंडीशन का तोड़ निकाला कैसे और रेस हुई कैसे? अपना आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए। आपके पास 10 सेकंड है, ज्यादा समय के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। उनके पापा ने कहा था कि जिसका घोड़ा लास्ट आएगा उसे सारी जायदाद मिलेगी, तो उन्होंने रेस के लिए अपने घोड़े बदल लिए। यानी आकाश अब विहान के घोड़े पर है और विहान आकाश के घोड़े पर। तो इससे ये हुआ कि अब उन्हें ये रेस जीतने के लिए लड़नी है। चलिए अच्छे से समझते हैं। अगर आकाश विहान के घोड़े पर बैठा है और रेस जीत जाता है तब विहान का घोड़ा जीत गया। इसका मतलब विहान प्रॉपर्टी के लिए हार गया और आकाश को सारी प्रॉपर्टी मिल गई। इसलिए घोड़ा बदलने के बाद उन्हें रेस में फर्स्ट आने के लिए लड़ना है। दोस्तों, और ऐसे पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।